एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। भोपाल के नरेला से आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली ने आरोप लगाया कि नरेला विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। नरेला में सिर्फ अवैध नशे के कारोबार का विकास हुआ है। भोपाल के नरेला क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली ने आरोप लगाए हैं कि नरेला क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहां पर केवल विधायक और बाहुबली सट्टा शराब टैक्स माफिया का विकास हुआ है। नरेला क्षेत्र में जुआ सट्टा आम बात है। सड़कों पर गांजा और ड्रग्स से सरेआम बिक रही है, ये विकास हुआ है। उन्होंने कहा, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे और नरेला क्षेत्र को प्रदेश की मॉडल विधानसभा बनाएंगे। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आजाद समाज पार्टी से समर्थित प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली हमारे साथ हैं। आइए जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का उन्हें, आइए हम जानते हैं कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का। जनता का तो प्यार हमेशा से ही मिला है और राजधानी है और राजधानी में पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ मैं, तो जनता के बीच में ही रहा हूँ, आज भी जनता के बीच में हूँ। निर्णय फैसला जो भी आए हमेशा से जनता के बीच में ही रहा हूँ मैं। आज जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की क्या गिले शिकवे निकल के आ रहे हैं? हमारे शहर की जनता बहुत बहुत वाली जनता है और इनका समर्थन मुझे हमेशा से रहा है। जी कितना विकास हुआ है, क्योंकि जहां आप घूम रहे हैं वहां यहां कोई विकास नहीं हुआ। यहां विकास से विधायक जी का हुआ है और यहां के जो बाहुबली सट्टा शराब कारोबारी है ड्रग्स माफिया उन लोगों का विकास हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, जबकि सबको सबसे ज्यादा कहते हैं कि यहीं पर नरेला क्षेत्र है, यहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है। कहां हुआ है विकास? जुआ सट्टा आम है सड़कों पर, नशा आम है, ड्रग्स रोडों पे बिक रहा है। तो समर्थन बस ये सब सारी चीजें हैं। जनता से पूछिए आप कि नरेला में विकास हुआ कब है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, क्या ऐसा है? कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो तो खुद बाहुबली है, जिसके परिवार के हाथ दंगे के 92 के दंगों के खून से रंगे हो, वो अगर ये बात कर रहा है तो बड़े शर्म की बात है। अगर आप आते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो किस तरीके का विकास करेंगे, क्या कुछ करेंगे? जी अगर आपको जनता चुनती है तो क्या विकास करेंगे? आदर्श विधानसभा, मध्य प्रदेश की एक ही विधानसभा होगी जिसको लोग देखेंगे। आप अपने क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनहित मुद्दों को लेकर। तो ये थे हमारे साथ शमशुल हसन बल्ली, जो जनहित मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो नरेला क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।